बिहार का गया शहर एक तरफ हिंदुओं की तीर्थ नगरी है तो वहीं दूसरी तरफ बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल के रूप में भी विश्वविख्यात है। यहां हिंदू और बौद्ध धर्म के लोगों का 12 महीने आना होता है। इस वजह से इस शहर का मुख्य आय का स्रोत पर्यटन पर ही टिका हुआ है। लेकिन जब से कोरोना का संक्रमण बढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर दी गईं, पाबंदियों के चलते आवागमन ठप सा हो गया। महामारी के चलते मार्च 2020 से ही विदेशी श्रद्धालु और पर्यटक बोधगया नहीं आए हैं। इसके चलते पिछले 2 सालों में केवल होटल व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों को 200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ रहा है। पर्यटन से जो है आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो हमारा कम से कम लगभग जो है 200 करोड़ रुपया का नुकसान जो है पिछले साल से लेकर के अभी तक का हो चुका है। और आगे आने वाले दिनों में देखिए कि अभी जो है लॉकडाउन फिर से बढ़ा दिया गया, तो ये कब तक चलेगा? सरकार जो है मतलब कब तक इसको लॉकडाउन को आगे बढ़ाती है, क्योंकि स्थिति तो भयावह है कोरोना को लेकर के। तो भयावहता को देखते हुए सरकार को ये कदम जो है लेना उठाना पड़ रहा है, लेकिन उससे हमारा पर्यटन व्यवसाय काफी जो है प्रभावित हो रहा है। बोधगया के पर्यटन उद्योग में सिरमौर होटल 100 से अधिक है, वहीं बोधगया में 40 से 50 रेस्टोरेंट हैं। इसमें से ज्यादातर होटल बंद हो गए हैं या फिर बंद होने की कगार पर है। ट्रेवल एजेंसियों की बसें धूल फांक रही हैं। देखिए, संस्था तो अभी सारे जितने भी इंडिया में संस्था हैं सबके दयनीय स्थिति है, और जिस तरह से पहले पर्यटक यहाँ पर आ रहे थे सारे बंद हैं। बीच में तो नॉर्मल स्थिति होने के बहुत उस समय तो सब कुछ नॉर्मल हुआ, ठीक ठाक चलने भी लगा। जब कोरोना का जो बहुत तेज़ से महामारी फैला, ऑक्सीजन कमी हो गई और फिर सब कुछ बंद हो गया, उसके बाद से फिर सब कुछ ख़त्म हो गया। बहुत से संस्थाएँ तो ताले बंद पड़े हैं और कुछ नहीं हो सकता उसका। मेरे तो होटल भी है, होटल में भी सारे ताले बंद पड़े हैं, एक भी गेस्ट नहीं आ रहे हैं, कहीं से कोई पर्यटक नहीं आ रहे हैं, बहुत से नुकसान है। संस्था हो चाहे होटल हो चाहे टूरिस्ट हो चाहे जितने भी तरह के व्यवसाय है, हर तरह से नुकसान ही नुकसान है। कोरोना ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया है। बोधगया के पर्यटन उद्योग भी इसकी चपेट में आ गए हैं। 2020 से पर्यटन उद्योग उबर नहीं पाया तो वहीं 2021 में भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। साल 2020 में कोरोना की पहली लहर आई और पहली लहर में पर्यटन उद्योग को बोधगया में कमर तोड़कर रख दिया। दूसरी लहर ने पर्यटन उद्योग को ध्वस्त कर दिया है। पर्यटन उद्योग का सिरमौर होटल व्यवसाय को अरबों का नुकसान हुआ है। वहीं आपको बता दें कि टूर एंड ट्रेवल से जुड़े व्यवसाय को लगभग करोड़ों का नुकसान हुआ है। छोटे व्यापारियों को तो पूरी तरह से अपना दुकान ही बंद करना पड़ा है। ये पूरा बोधगया का ये तस्वीर है और तस्वीर बयां कर रही है कि किस तरह से कोरोना का मंजर ने पूरे बोधगया के रौनक को तबाह कर दिया है और पर्यटन उद्योग को ध्वस्त कर दिया है। गया से ईटीवी भारत के लिए सुजीत पांडे।